यानी रामपुर शहर में पैसों के दम पर वोट खरीदने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कई मामले ऐसे आ रहे हैं, हर क्षेत्र से आ रहे हैं कि महिला मंडल, युवक मंडल और कई गांवों में पैसों देकर वोट देने का आग्रह कर रहे हैं। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 28 मई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। यह रैली ननखड़ी के सदाबहार मैदान में होगी, जिसमें रामपुर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 8000 संख्या उस रैली में रहने वाली है। और पिछले एक दिनों से जो मामले यहाँ पर आ रहे हैं, यानी रामपुर बुशहर में पैसों के दम पर वोट खरीदने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कई मामले ऐसे आ रहे हैं, हर क्षेत्र से आ रहे हैं कि महिला मंडल, युवक मंडल और कई गाँवों में पैसों देकर वोट देने का आग्रह कर रहे हैं। पर इसमें बहुत सारे लोग भारी लोग हैं, रोड़ू से है, शिमला ग्रामीण से है और रामपुर के कांग्रेस के लोग भी है। इस प्रकार का अगर मामले आ रहे हैं, ध्यान में आता है कि अगर रामपुर में कांग्रेस दावा करती है कि हमने विकास किया है, रामपुर की जनता यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है, अगर असल में विकास किया होता तो इस प्रकार के पैसों की लेन देन वो नहीं करते। आज उन्हें लग रहा है कि रामपुर की जनता की शक्ति भी दिख रही है, रामपुर की जमीन की शक्ति भी दिख रही है और उनको केवल पैसों का सहारा लेकर उन वोट को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि रामपुर की जनता आज जागरूक हो चुकी है, इस प्रकार के पैसों के कारण उनको वोट देने वाली नहीं है, वो जागरूक हो चुकी है, उन्हें विश्वास है, तो मोदी की गारंटी की विश्वास है। कांग्रेस की गारंटी देख चुके हैं, पिछले 16 महीने पहले कांग्रेस ने जो वादे किए थे, 10 गारंटियां देंगे सरकार की पहले कैबिनेट में हम देंगे, ये सारे वादे आज धरातल में कहीं दिख नहीं रहे हैं और उन्हें विश्वास केवल मात्र मोदी के ऊपर है। मोदी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं और मोदी की गारंटी के ऊपर आज जनता पर विश्वास है। इस प्रकार के पैसे के लेन देन और धनबल और बाहुबल के प्रयोग के आधार पर लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, अपना वोट देने का व्यक्ति का एक अधिकार है और उन्होंने मन बना लिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो कंगना रनौत जी है उनको जिताकर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेंगे।